अस्सलाम वालेकुम खवातीन-ओ-हज़रात, आज आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हड़प्पा म्यूज़ियम है, हड़प्पा शहर के अंदर, जिसे आपने सुना होगा कि इसे कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन का इलाका है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये कांसी के दौर की तहजीब है। और आज कल इसको हड़प्पा की तहजीब से जाना जाता है, क्योंकि साथ ही एक हड़प्पा कस्बा है, गांव है, जिसकी बुनियाद पर इसको नाम दिया गया हड़प्पा म्यूज़ियम या हड़प्पा की तहजीब। ये आप देख रहे हैं, अब हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं, तो आइए इस म्यूज़ियम अंदर भी चलते हैं, गेट से आपको तो म्यूज़ियम भी दिखाते हैं, साथ इसके साथ साथ हड़प्पा के जो आसार हैं, जो आप मेरे दाएं जानब भी हैं, इस तरफ भी हैं, और इस म्यूज़ियम के बैक साइड पर भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए। कुछ रवायात के मुताबिक जब शहर पर मुसीबतें आईं और शहर तबाह हुआ, तो कहा गया कि इन मुसीबतों ने इस शहर को हड़प कर लिया है, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। दूसरी ये रवायत भी है कि जब हड़ यानी सैलाब से, जो रावी दरिया से आया था, ये शहर तबाह हुआ, तो उसको भी नाम हड़प्पा पड़ गया। आप मेरे पीछे म्यूज़ियम देख रहे हैं, आप इस म्यूज़ियम से आगे चलते हैं और आपको खंडरात दिखाते हैं। आइए अब आपको इस म्यूज़ियम से अगले इलाके में लेकर चलते हैं, जहाँ हड़प्पा के दूसरे आसार हैं। तो ये आप बोर्ड देखते जा रहे हैं कि कुछ तकरीबी मकाम हैं, इसमें जरूर साजी का भी है। ये सफ़र जो है आप करते हुए आसार तरफ जाते हैं, हड़प्पा के आसार हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ तकसीम कर दी है कि कौन कौन से इलाके हैं, वो आपको दिखाते हैं हड़प्पा के, और साथ साथ जो है वो उनकी अफादियत क्या थी, उनकी अहमियत क्या थी, वो भी आपको दिखाते हैं। आप क्या बता रहे थे? वाशरूम, इनके सिस्टम, गटर सिस्टम, स्टोर का सिस्टम है, कब्रिस्तान का सिस्टम है, बेचने की जगह, हर चीज़ आ गया। कासम अली, आप यहाँ पर म्यूजियम है, हड़प्पा म्यूजियम में क्या चीज़ें बनाते हैं? जो अंदर चीज़ें पड़ी उनकी तमाम कापी बनाते हैं। उनकी कापियाँ मतलब क्या क्या चीज़ें आपने बना चुके हैं? एक तो मोरे, हाँ जी, ये मोरे उस दौर पे करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, एंटर गेट पास टिकट भी थी, ये बनाते थे। और ये दूसरे, ये काठ बैलगाड़ी, ये स्टोरेज आ रहे बैरियर, ये भी, ये चक्की है, ये बच्चों के खेलने वाली चीज़ें, ये बच्चों की टॉयज हैं, ये बड़ी सी पड़ी है, और ये भी आप खुद बनाते हैं? यहाँ से बनाते हैं। और इसके और खास चीज क्या आपकी यहाँ पर, और ये बनाकर बेचते हैं यहाँ पर? जी जी, बनाते हैं। हड़प्पा के कुछ दरख्त हैं, वो भी आपको यहाँ नजर आएंगे। वो इलाका जिसमें खुदाई हो चुकी है, अभी उस जगह पर आपको लेकर जाते हैं। ये हड़प्पा का वो मेन रास्ता है, इसके दाएं और बाएं वही टीले नज़र आ रहे हैं आपको, जिनके नीचे कभी ये शहर बसता था। ये हड़प्पा के खंडरात जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि हड़प्पा सरजमीन पाकिस्तान में आज से तकरीबन 5,500 बरस कबल एक शानदार तमद्दन की बुनियाद रखी गई थी, जिसे दुनिया वादी सिंध की तहजीब के नाम से जानती है। ये दरिया सिंध के इर्द गिर्द वसी मैदानों में मुलहिका नदियों बशमूल चोलिस्तान में मौजूद दरिया हाकड़ा और उसके मुलहिका इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस तहजीब को दो बड़े मराकज़ हड़प्पा और मौजूद हड़ो में माहरीन आसार करीमा ने बतरतीब 1921 और 1922 खुदाइयाँ शुरू की थी, जिसके नतीजे में इस तहजीब के बरामद खदो खाल एक तरक्की याफ्ता मुनज़म माशरे की निशानदेही करती। और ये तहजीब तकरीबन 3500 से 1500 कबल मसीह के
ये एग्जिस्ट करती थी या ये पाई जाती थी, उसके बाद आसार ख़त्म हो गए और तहजीब ख़त्म हो गई। हड़प्पा तहजीब की ये भी आप आसार टीले देख रहे हैं जिनकी खुदाई हो चुकी है। ये इलाका एच महाबाद हड़प्पाई कब्रिस्तान, ये उसका इलाका है खंडरात। इस इलाके में मधुस्वरूप वाट्स ने 1926 से लेकर 1934 खुदाई की और वसी कब्रिस्तान का इंकशाफ किया। ये मदफन उन लोगों से मुतलक था जो वादी सिंध की तहजीब के आखिरी दौर 1900 कबल मसीह के बाद यहाँ पर रहायश पजीर थे। और ये सारा इलाका जो है वो सीमेट्री एरिया एच कहलाता है। यहाँ एक कब्रिस्तान था उस दौर के लोगों का। ये सारा आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान का इलाका, ये इस तरफ। ये भी हड़प्पा तहजीब के जो इस वक्त हम जिस पर खड़े हैं, ये ऊंचे टीले, ये टीलो जिन इलाकों की कुछ खुदाई हो चुकी है, कुछ खुदाई अभी बाकी है। ये दूर दूर तक आप टीले देख रहे हैं, इसमें पुराने कीकर के और दूसरे जंगली दरख्त जो बहुत पुराने वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी अभी तक वो टीले जो इनकी खुदाई अभी तक नहीं हो सकी हड़प्पा के इस इलाके में। हड़प्पा म्यूजियम के बैक साइड पर जो आसार हैं उसके जो पुराने आप दरख्त कुछ गिरे हुए हैं, कुछ आपको नज़र आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ये भी इसी तहजीब से तल्लक रखते हैं, बहुत पुराने बल्कि सदियों पुराने ये दरख्त हैं जो यहाँ पर अब भी आपको नज़र आ रहे हैं इस सिविलाइजेशन के इस बकाया जात जो आपको रिमेन नज़र आ रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये रास्ता दरमियान में ईंटों से बनाकर वो रखा गया है जो यहाँ पर आपको मैक्सिमम ये इस इलाके की सैर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दूसरा टीला या मोंड ए भी आपको नजर आ रहा है। टीला ए भी बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ है जो शुमालन जनूबन 450 मीटर और शर्कन गर्बन 244 मीटर है। कच्ची ईंटों से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार के अंदर घिरे हुए शहर को मजीद वजात के साथ गहरी खंदक से देखा जा सकता है। कुछ ऐसा ईंटों से बनी बहुत बड़ी दीवार जिसने शहर के सबसे ऊंचे हिस्से में घिरा हुआ था, ये आपको नजर आ रहा है सामने दीवार देखिए। और इस तरफ शहर के जो बाकी आसार आपको नजर आ रहे हैं टीलों पर, ये जो अब ख़त्म हो चुके हैं, अभी आप ऊपर जाते हैं इसको मज़ीद आपको ऊपर से इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी पुराने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वही तीन किस्म के दरख्त यहाँ पर उगे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। टीला ए बी का दरमियानी इलाका है, ऊंचाई पर वाक़ है। इस हिस्से में बड़ी बल खाती दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माना 2200 से 1900 कबल मसीह तल रखती है। ये शायद नकासी आपके लिए बनाई गई थी। ये जो नालियाँ आप देख रहे हैं इस इमारत से, जो पुरानी इमारत है वो आपको नज़र आ रही है। ये सामने आपको एक कुआं नज़र आ रहा है और ये जो ईंटों की बुनियादें हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको पिलर से। ये लगता है कि बड़े इमारतों के जब बड़ी बिल्डिंग के आसार थे। सामने दूर दूर तक अब सिर्फ इसके टीले नज़र आ रहे हैं, इनको महफूज करने की कोशिश की गई है। दरमियान में नालियाँ जिससे ऊंचाई से पानी नीचे चला जाता था और इलाके की निकासी होती थी। पुराना सदियों पुराना दरख्त यहाँ भी। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर
वन का ये दरख्त है पीलू माजी में की कहत के दिनों में वन के दरख्त का फल इलाके के बशिंदों की जान बचाने का बायस बना था। इसकी जड़ें और शाखें मिसवा के लिए भी इस्तेमाल होती थी। फल मकवी सेहत होता है, ये देख रहे हैं आप और ये भी देख रहे हैं वन का दरख्त है बहुत पुराना। इस दरख्त के तने भी देखें कैसे शो कर रहे हैं अपनी उम्र को कि वाकई बहुत पुराने हैं। अब इनको संभाला गया है, नीचे से भी महफूज किया गया है, ऊपर से भी इसकी शाखों को तरतीब देकर काट कर महफूज करने की कोशिश की गई है। और ये मेन इलाका है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जिसे पहले आपने जैसे कह चुके हैं कि इंडस सिविलाइजेशन भी कहते थे और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। सदियों पुराना ये इलाका है, अब तो ख़त्म हो चुका है लेकिन इसके आसार बाकी हैं। आइए आपको अब अगले टीले जा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी वो दिखाते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। ये वन के दरख्त का दूसरा सीन है, दूसरी तरफ से आपको ऐसा नज़र आ रहा है इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं और नीचे जब जड़ें चली जाती हैं ज़मीन के अंदर तो वहाँ से एक और मज़बूत दरख्त बन कर ये निकलता है उभरता है। पुरानी दीवारें जो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी पानी के बहाव से ये कट चुकी हैं और इस तरह की शक्ल तैयार कर चुकी हैं। इसके बिल्कुल सामने टीला ए बी का रिहायशी इलाका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे घर बने हुए हैं इस जंगले के पीछे। ये घर आप देख रहे हैं ईंटों से इसको महफूज किया गया है। सामने एक दीवार है, ये भी घर हैं जो उसी हड़प्पा सिविलाइजेशन से तल्लुक रखते हैं और इनमें पानी की निकासी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम होता था और ऊंचाई की वजह से इन्हें कई चीज़ों से भी बचा जा सकता था। पानी का बंदोबस्त भी था यहाँ पर और पानी की निकासी का बंदोबस्त भी था। आज इस वक्त माउंट ए बी के बैक साइड पर जो ऊंचा टीला आपको नज़र आ रहा है इस पर हम ऊपर आ गए। दूर दूर तक इस टीले के ऊपर जो आपको ठीकरियां पत्थर ईंटें नज़र आ रही हैं पुराने दरख्त हैं और सामने आपको नज़र आ रहा है कब्रिस्तान के उस पार हड़प्पा का जो शहर है कस्बा है वो आप देख रहे हैं। माउंट ए भी रहायशी एरिया था। टीला ए भी रहायशी एरिया। ये ऊपर से आप इसका एक ये ड्रोन की तरह का व्यू ले रहे हैं। रहायशी एरिया था, आप ऊपर ईंटों से ढपी हुई पानी की नालियाँ जिस निकासी की इस्तेमाल होती थी और दीवारें हैं पुरानी दीवारें कच्ची थीं और आप कल इसको महफूज करने के लिए ईंटें लगाकर दीवारों की या इमारतों के दीवारों के निशान दी की गई ऐसे ही है ना। ये एक साथ पुराना कमरा भी इसी हड़प्पा के आसार कदीमा के साथ फसील शहर पना हड़प्पा खुदाई के दौरान कदीम फसील के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बशिंदे दफाई नुकता नज़र किसी तरह समझते थे। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी ताकि वह दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सकें। और ये आप देख रहे हैं ये इसी के साथ ही फसील या दीवार जो आपको नज़र आ रही है बहुत चौड़ी भी है और नीचे से उठाई गई है जिस जगह पे वो पौधा लगा हुआ है ना झाड़ी लगी हुई है उधर से लेके इस जगह तक वो ये सारी झाड़ी। हाँ जी, और इतनी ये लंबाई है और ये ऊंची भी काफी होगी। हाँ जी, ऊंची भी काफी होगी और ये सारे शहर को जो है ना इन्होंने कवर किया होगा, हिफाजत की होगी। ये सब हम दीवार के ऊपर ही खड़े हैं इस वक्त। हाँ जी,
और ये जो आपने सारी छानबीन कर दीवार के ऊपर ही खड़े हैं जो इस हड़प्पा शहर की हिफाजत के लिए और हमलावरों से बचाने के लिए और पानी की तबाहकारियों से बचाने के लिए भी ये फसील आपको नजर आई है। और उसके साथ ही ये एक मस्जिद है और चंद पीर का मज़ार भी है। फिर ये कभी आपको दिखाएंगे कि ये मज़ार की क्या अहमियत है और कौन सा मज़ार है और कब बना था। जी ख्वातीनो ज़रात, हड़प्पा सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की मज़ीद तफसीलात अगले व्लॉग में मुलाजा कीजिएगा। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।